कि भारत देश में जितने भी महान पुरुष रहे वो हमेशा अंग्रेजों से लड़ते रहे। पहला अंग्रेज जो आता है वो ब्राह्मण है, उसके बाद मुगल आए, पुर्तगाल आए, सभी लोग आए, लेकिन सभी का जाने का प्रमाण मिलता है उनसे हमारे महान पुरुष लड़ते रहे विजयी पाए और उनको भगाने का भी काम किया। लेकिन एक बहरूपिया जो आज हमारे भारत में घुसा है, हम लोगों के अंदर मिल चुका है, डीएनए से भी प्रमाणित हो गया है कि वो विदेशी है, उनका डीएनए है, R1 है, A1 है उनका डीएनए, जो डॉक्टर माइकल बामसाद के द्वारा प्रमाणित हुआ। 26 साइंटिस्ट हमारे भारत देश के थे, उसमें पूरी तरह प्रमाण किया गया कि ये विदेशी है। सनातन भी जो शब्द है वो गौतम बुद्ध भगवान के उपदेश दिए, असोन तो संतनों, तो वहाँ से इन लोगों ने चोरी किया। और आपको मजे की बात बताओ, ब्राह्मण घुसपैठिया भी है और चोर भी है, बहुत बड़ा चोर है, हम लोगों के अंदर घुस के हमारी सारे इन्फॉर्मेशन ले लेता है और वो धीरे धीरे हमारे खिलाफ ही सारे काम करता है। और हमारे साथ एक भाई साहब हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर देश भर में आए दिन लगातार मुद्दे जो उठ रहे हैं, अनिल कुमार जी इनका नाम है, क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग ये जो बहुजन मोर्चा राष्ट्रीय जो पार्टी आप लोग की है बाम सेव की, आप आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, अब लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, कब तक आप लोग लड़ाइयाँ लड़ेंगे? जैसे कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप कवरिंग करने आए हुए हैं जंतर मंतर पर, और हमारे सभी प्रदेश के भाई लोग जंतर मंतर पर आए हुए हैं देश के कोने कोने से, और जंतर मंतर पर अपनी मांग रखने आए हैं कि 1931 में अंग्रेजों के द्वारा गिनती हुई है, तब हमको पता चला है OBC 52% था, तो अभी ये मांग है। आप लोग जाति जनगणना की जो बात कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों आप लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो? हम लोग चाहते हैं कि बड़ी संख्या में OBC है और सभी मूल निवासी भाई 85% कह लें आप, उन लोगों को उनका हक अधिकार मिल जाए, इसलिए यह हमारी लड़ाई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारत देश में जितने भी महान पुरुष रहे वो हमेशा अंग्रेजों से लड़ते रहे। पहला अंग्रेज जो आता है वो ब्राह्मण है, उसके बाद मुगल आए, पुर्तगाल आए, सभी लोग आए, लेकिन सभी का जाने का प्रमाण मिलता है उनसे हमारे महान पुरुष लड़ते रहे विजयी पाए और उनको भगाने का भी काम किया। लेकिन एक बहरूपिया जो आज हमारे भारत में घुसा है, हम लोगों के अंदर मिल चुका है, डीएनए से भी प्रमाणित हो गया है कि वो विदेशी है, उनका डीएनए है, R1 है, A1 है उनका डीएनए, जो डॉक्टर माइकल बामसाद के द्वारा प्रमाणित हुआ। 26 साइंटिस्ट हमारे भारत देश के थे, उसमें पूरी तरह प्रमाण किया गया कि ये विदेशी है। आप किन की बात कर रहे हैं विदेशी? ब्राह्मणों की, साफ साफ शब्दों में आपके माध्यम से कहूँगा, ब्राह्मण ही विदेशी है, वो सनातनी है। और देखिए, सनातन उनातन कुछ नहीं है सर, ये कहने की बात है। कहाँ से आए हैं? सनातन भी, पहले मैं इसका क्लियर कर दूँ, सनातन भी जो शब्द है वो गौतम बुद्ध भगवान के उपदेश दिए, असोन तो संतनों, तो वहाँ से इन लोगों ने चोरी किया। और आपको मजे की बात बताओ, ब्राह्मण घुसपैठिया भी है और चोर भी है, बहुत बड़ा चोर है, हम लोगों के अंदर घुस के हमारी सारे इन्फॉर्मेशन ले लेता है और वो धीरे धीरे हमारे खिलाफ ही सारे काम करता है। तो अभी आप लोग जाति जनगणना की जो मांग कर रहे हैं, आखिर इसको कौन रोक रहा है? राहुल गांधी भी आवाज़ उठा रहे हैं, मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, आप लोग भी कह रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, फिर हो क्यों नहीं रहा है? देखिए सर, फिर पुनः आपसे कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि
हाथी के जो दांत होते हैं ना, दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। वो लोग नकली लोग डुप्लीकेट लड़ाई लड़ते हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं, बहुजनों का वोट लेकर शासन करते हैं और हमको गुलाम बना कर रखना चाहते हैं। वो गिनती उनती उनके बस की बात नहीं है। जब हमने सबको भगाया है, इनको भी भगाएंगे। आप गुलामी की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इस देश में सभी लोग संविधान के अधीन हैं और सभी लोग संविधान के अंदर रह के काम करते हैं। कोई किसी का गुलाम नहीं, कोई किसी का बधुआ मजदूर नहीं। ठीक है, संविधान सबको जीने का अधिकार दे रहा है, सबको एक समान का अधिकार दे रहा है, उसमें कोई नहीं संदेह नहीं है, वो मिल रहा है हम लोगों। लेकिन जो एक समाज है, जो जर्नल में आते हैं, वो बहुजनों के हक अधिकार खा रहे हैं। वो जब कब पता चलेगा, जब हमारी गिनती होगी, आंकड़े सामने आएंगे, उसके आधार पर हम समझेंगे ना। अगर वो आप ऐसा कह रहे हैं कि सबको मिल रहा है, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप उनको कहिए, राहुल जी को, जो नकली लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो जेब में लेकर चल रहे थे संविधान बचाएंगे, ये बचाएंगे, और अभी कुछ नहीं बचा रहे हैं। आप उनको नकली लड़ाई कह रहे हैं, वो असली लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश के SC ST OBC के हक अधिकारों के लिए। हर मंचों से बोलते हैं कि क्या SC ST OBC की कहीं अधिकार मिला है, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हर जगह पे वो चाहते हैं कि SC ST OBC वालों को अधिकार मिले। देखिए, फिर कहूँगा आपसे कि आप पहचानिए नकली और ओरिजिनल में पहचानिए। वो लोग सिर्फ मुंह से लड़ाई करते हैं, मुंह से लड़ाई करते हैं, गपोड़ी, मैं कहूँगा एक शब्द, गपोड़ी, गपोड़बाजी करते हैं। आखिर सही लड़ाई कहाँ है, संसद में बोला कभी? और आप ओपोजिशन में है, फुल पावर में, आप बंद करो ना संसद को। तो आप देश के लोगों को कैसे समझाएंगे? देश के लोगों को आपके मीडिया के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये अपील कर रहा हूँ कि सबसे पहले मेरे बहुजन समाज के भाई, जो कुंभकर्ण जो है 6 महीने में सोता था ना, हमारा जो ये समाज है, ये 70 सालों से सो रहा है, जब से यूँ कहे देश आज़ाद हुआ है तब से सो रहा है। आप बहुजन बहुजन की बात करते हैं, हर एक व्यक्ति के बहुजन नाम सुनने को आता है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे धरना प्रदर्शन में आया हो, हर एक व्यक्ति बहुजन, बहुजन का मतलब बहुत ज़्यादा जन और उसका जो प्रतिनिधित्व करता हो। लेकिन बहुजन में असल में है कौन? लड़ाइयाँ अब इसकी भी होने लगी हैं कि बहुजन है कौन। बहुजन देखिए प्रमाणित तो हो गया है कि बहुजन इस देश के मूल निवासी और एक विदेशी है। भारत देश में बहुत विदेशी आए और सबको खदेड़ा गया, एक विदेशी है यहाँ पर, उसके वजह से ये सारा पूरा जो है फंडा है। अब यहाँ कोई विदेशी नहीं है, संविधान सबको इस देश की नागरिकता देता है, सभी लोग इस देश के नागरिक हैं, आप संविधान से चलिए। लेकिन मैं आपसे एक जाते जाते लास्ट क्वेश्चन करूँगा। इस देश में दो विचारधाराएं चल रही हैं, एक मनुवाद और एक अम्बेडकरवाद। तो क्या जो मनुवाद और अम्बेडकरवाद को एक साथ लेकर चल रहा है, उसको मान लिया जाए बड़े स्तर पे कि वो मनुवादी है, और जो अम्बेडकरवाद को लेकर चल रहा है उसको अम्बेडकरवाद की संज्ञा दी जाए? आपने बहुत सही सवाल उठाया, इसका सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत पहले कहे थे कि लोकतंत्र में दो ही वाद चलेंगे, एक ब्राह्मणवाद, एक अम्बेडकरवाद। जो जिस पे हावी होगा उसको ख़त्म करेगा। अगर मैं जिस प्रकार से जन जागृति कर रहा हूँ, अपने लोगों को बता रहा हूँ, उस प्रकार से हमारे बहुजन समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे तो ब्राह्मण तंत्र को निकल जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारा समाज जो है उनके बहुरूपीय चाल में फंसा हुआ है, इसलिए जो है लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है अम्बेडकरवाद को निकल जाए, ब्राह्मणवाद इतना आसान नहीं है।
हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। समय समय पर अम्बेडकर वाद की जब जब अगर बात की जाए, तब तब एस सी ओबीसी के महापुरुषों की बात की जाए, तो अगर मनुवाद उसको निगलने की भी कोशिश करती है तो समय समय पर मनुवाद का पेट फाड़ के अम्बेडकर वाद निकल ही आता है। काहे वो छत्रपति साहू जी की बात मैं करूँ, जिस तरह से जाति जनगणना की, गुलाम भारत में जाति जनगणना छत्रपति साहू जी महाराज करवाएं, सबको हिस्सेदारी दी, लेकिन आज़ाद भारत में 1952 में जाति जनगणना कांग्रेस के द्वारा बंद की जाती है। लेकिन फिर आज 2024 में वो दौर आ जाता है, मनुवाद का पेट फाड़ के फिर छत्रपति साहू जी महाराज आ जाते हैं और जाति जनगणना की पूरे देश में मांग तेज़ी से उठ रही है। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं इस चीज़ को। और बाबा साहब एक बात और कहे तो वो याद आती है और कह रहा हूँ आपके माध्यम से। उन्होंने कहा था अगर किसी के विचार को जिंदा रखना है तो उसको निरंतर चलाए रखना है। हम लोग चला रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी बार बार गांव के गांव में जाते हैं, जिला वाइज जाते हैं, प्रदेश वाइज जाते हैं, राष्ट्र वाइज जो है जनगणना चला रहे हैं और हमारे लोग सारे लोग जान रहे हैं। धीरे धीरे देर है, ओबीसी सोया हुआ हाथी अब जग रहा है। हाँ, ओबीसी सोता हुआ शेर है, बस जागने की देर। शेर है, शेर है, ओबीसी समाज जो है शेर है, लेकिन सोया हुआ है, जागने की देर है। जागेगा तो क्या करेगा सिर्फ? जागेगा तो फिर आप जान। चलिए, तो ये भाई साहब थे जिस तरह से कह रहे हैं कि जाति जनगणना जो है उसकी आवाज़ पूरे देश में गूंज रही है, और वो कह रहे हैं इस देश में जो 3% है लोग हैं, जिस तरह से हर जगहों पे अपने हक और अधिकार बहुजन समाज के छीन कर बैठे, वो बहुत जल्द अब सामने आने वाला है और जाति जनगणना होकर सबके हक और अधिकार मिलेंगे और ओबीसी समाज जो है वो शेर है और जाग चुका है। आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट में ज़रूर बताइए।